अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस एम यूसुफ की बुक कैलकुलस, उसके लिए एक्सरसाइज 8.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने फाइंड कर लिया है थ्रू द पॉइंट्स, जो ये दो पॉइंट्स दिए गए 4-5, 3 और 2, 3, 1, ये पॉइंट्स दिए गए। इन पॉइंट्स में से दूसरे की एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे पास एक्स वाई जी 3 होते हैं, तो तीनों के पैरेलल बारी बारी हम चेक करेंगे, मतलब तीन कंडीशंस जो है वो इधर बनेंगी। जिस तरह ये हमारे पास है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है ए बी, ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स, ये हमारे हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरे, इस तरह भी आप कह सकते हैं, दोनों पॉइंट्स में से गुजरे और पैरेलल हो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस। अब पहले आप वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड करेंगे, फिर ये प्लेन इधर आ जाएगा। जी एक्सिस के पैरेलल फाइंड करेंगे, फिर प्लेन इस तरह आ जाएगा। हम एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड कर लेते, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल और फिर जी एक्सिस के पैरेलल फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लेन है, तो इसके हमारे पास जो है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी होंगी, इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज भी होंगी, वो हम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो भी हमने डायरेक्शन रेशियोज लिखी है, ए बी सी आर डी डायरेक्शन रेशियोज। डी कैपिटल डी और कैपिटल आर लिख रही हूँ, जहाँ भी लिखूँगी उसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ही होगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन ए बी सी, जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं जो नॉर्मल टू दी प्लेन है। दी इक्वेशन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, 4-5 और 3 है हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमने इस पॉइंट से वो इक्वेशन में पास कर रही है, अगर हम नहीं तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फॉर्म तो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जाएगी इक्वेशन, जैसे जनरल फॉर्म में हमारे पास तो ए एक्स माइनस एक्स वन होता है प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जी माइनस जी वन इक्वल जीरो होता है। अब यहाँ एक्स वन वाई वन जी वन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4-5, 3, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, एक्स माइनस 4 प्लस बी वाई प्लस 5 प्लस सी जी माइनस 3 इक्वल जीरो, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन वन कहते हैं, इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमने फाइंड करनी है, वो दो पॉइंट्स में से गुजरती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिख लिया कि ए के पॉइंट पूछ ली, लेकिन अगर बट बी, बी हमारे पास सीखने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 और 1 लाए ऑन, वो भी इस पे लाए करता, बी पॉइंट भी तो लाए करता है इस इक्वेशन पे, मतलब जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी इस तरह से, ये प्लेन था, इस पे प्लेन में इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमने फाइंड करनी थी वो दोनों पॉइंट्स में से गुजरती थी ना, तो हमने ए पे तो कर ली, अगर बी भी है इस पे लाई करता है तो इक्वेशन हमारे पास फिर किस फॉर्म की बन जाएगी, फिर ये एक्स वाई और जी की जगह भी हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, 2, 3 और 1, ए इंटू 2-4 प्लस बी इंटू 3+5 प्लस सी इंटू 1-3 इक्वल जीरो। ए की जगह 2, बी की जगह सॉरी वाई की एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 और जी की जगह 1 लिखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a, ये आ जाएगा +5 और 3 8b -2c इक्वल जीरो, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय -2 डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी, -2 भी अगर डिवाइड करें तो आ जाएगी a -4b प्लस सी इक्वल जीरो, इसे इक्वेशन 2 कह दें। यहाँ तक तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, अब आगे देखना है एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस,
पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले हम फर्स्ट कंडीशन इसमें देख लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, कंडीशन फाइव, इफ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेगी, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आएंगी 1 0 0, क्योंकि जब प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो एक्स की वैल्यू होगी वाई और जी की वाई, हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, 0 0, सॉरी प्लेन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आएगी, 1 0 0, ठीक हो गया। अब ये पहला डायरेक्शन कोसाइंस, ये दूसरा और ये तीसरा आ गया। नाउ नॉर्मल लाइन ऑन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये हमारे पास इस तरह प्लेन था ना, ये एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ये वाई और ये जी एक्सिस है। अब इसके जो नॉर्मल लाइन है वो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है ना, वही चीज़ ये इधर हमने बताई है, ठीक हो गया। और जब प्ले है दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर आ जाए तो उनके डायरेक्शन को साइंस को हम क्या लिखते हैं, दोनों का डायरेक्शन साइंस के प्रोडक्ट का सम करें तो इक्वल जीरो आता है। ये हमारे पास 1 a 1 0 0 है, दूसरी के जो हमारे पास प्लेन था उसके डायरेक्शन को साइंस क्या थे, ए बी सी, मतलब ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इक्वल 0, तो ये आ जाएगा ए इक्वल 0 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसे पुट कर देते हैं 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ए की जगह तो 0 आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा c इक्वल आ जाएगा 4b, इसे हम लिख सकते हैं c ओवर 4 इक्वल b ओवर 1, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, हमारे पास ये वैल्यूज आगे से हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ए बी और सी की जगह ये वैल्यूज, ए की जगह 0 आएगा तो ये सारी जो है हमारे पास 0 हो जाएंगे, बी में पुट करते हैं, बी की जगह 1 आ जाएगा तो वाई प्लस 5 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं पुट करके लिख रही हूँ, सी की जगह हम 4 पुट कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा प्लस 4z माइनस 12 इक्वल 0, तो ये बन जाएगी इक्वेशन वाई प्लस 4z माइनस 7 इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई प्लस 4z माइनस 7 इक्वल 0, अगर प्लेन जो है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसी तरह अगर प्लेन हमारा हो जाए वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो डायरेक्शन को साइंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 0 1 0, ठीक हो गया। नाउ नॉर्मल लाइन इज नॉर्मल लाइन ऑन द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक हो गया। और ये बी की वैल्यू 0 है, हम 2 में पुट करेंगे, बी की जगह 0 तो यहाँ से ये चेंज होगा, मैं यहाँ से दोबारा करती हूँ, बी की जगह 0, 0 जगह ए प्लस सी इक्वल 0, मतलब ए इक्वल माइनस सी, तो हम लिख सकते हैं ए ओवर 1 माइनस 1 इक्वल सी ओवर 1, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस 1, बी की वैल्यू 0 थी और सी की वैल्यू क्या आ गई 1, इन सब को पुट कर देंगे 1 में, इक्वेशन 1 में, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 तो वो बन जाएगी माइनस एक्स प्लस 4, बी की जगह 0 तो बी वाली टर्म 0 हो गई, सी की जगह 1 पुट करेंगे तो जी माइनस 3 इक्वल 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस जी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इक्वल 0, ठीक हो गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास अगर जो प्लेन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसी तरह प्लेन अगर हमारा आ जाए जी एक्सिस के पैरेलल तो वो क्या बनेगी इक्वेशन, जी एक्सिस के पैरेलल हो तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ जाएंगे 0 0 1, लाइन इस यहाँ पे जी आ जाएगा, जी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और जी है तो सी की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यूज, ठीक हो गया। और यहाँ से सी की वैल्यू 0 आ गई, ये सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे 2 में, सी की जगह 0 तो ए इक्वल 4 बी,
फोर भी आ गया ए, मतलब ए ओवर फोर बी ओवर वन, ये इधर जाके डिवाइड हो गया ना। तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू फोर आ गई और बी की वैल्यू वन आ गई और सी की वैल्यू जीरो थी। ये इसमें पुट करेंगे, सी की जगह वन में पुट करेंगे, सी की जगह जीरो, तो ये सारी जीरो होगी, सिर्फ बी और ए की जगह वैल्यू पुट होगी। ए की जगह फोर पुट करेंगे बन जाएगा फोर एक्स माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन, बी की जगह वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो। तो इक्वेशन बन जाएगी फोर एक्स प्लस वाई, सिक्सटी में से फाइव माइनस किए तो माइनस इलेवन इक्वल जीरो। ये तीसरी हमारे पास लाइन आ गई, लाइन ऑफ इक्वेशन। अगर जो है हमारे पास प्लेन जो है, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर पैरेलल टू वाई जी एक्सिस है, हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड कर ली। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये प्लेन है हमारे पास कोई एक, ठीक हो गया। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, उस कंडीशन पे, इक्वेशन पे कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, अगर हम ए और बी कह लें, ये पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स में से वो पास करें, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ ये है जिससे जिसके लिए परपेंडिकुलर होगी, तो कहीं प्लेन ये है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। ये हमने फाइंड करनी है। पहले ये देखें, लेट ए बी सी, ये एक हमारे पास अगर प्लेन है जिसकी ये इक्वेशन है, तो इसके नॉर्मल हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी होंगी, जो हमें लेट कर ली कि ए बी सी है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल जीरो, इसे इक्वेशन वन कह देंगे, ठीक हो गया। पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ए एक्स माइनस एक्स वन, ये इस तरह की जो इक्वेशन थी उसे यूज़ करते हैं। आप इसी इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने उस इक्वेशन से करवाया था, इसलिए फिर मैंने ये सवाल जो है इस इक्वेशन से करवा रही हूँ, ताकि आप लोग इसे भी इसे सॉल्व कर सकें, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई। अब अगर जो इक्वेशन हमारे पास है, अगर पॉइंट ए में से गुजरती है, इफ़ ए ए हमारे पास है वन ज़ीरो वन, लाए ऑन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन पे लाए करता है अगर हमारे पास पॉइंट वन ज़ीरो वन, तो एक्स की जगह वन, वाई की जगह ज़ीरो और जी की जगह वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए बी प्लस ज़ीरो बी, और सी की जगह आ जाएगा हमारे पास वन, जी की जगह वन, तो प्लस सी प्लस डी इक्वल ज़ीरो। ये इक्वेशन टू बन गई। इफ़ बी, बी पॉइंट्स क्या है हमारे पास, टू टू वन, लाए ऑन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन पे अगर ये पॉइंट लाए करें तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, टू ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस डी इक्वल ज़ीरो, ये इक्वेशन थ्री बन गई। दोनों इक्वेशंस को जो है हम अगर माइनस कर दें, इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन टू, तो हमारे पास टू में से, टू ए में से ए माइनस किया तो ए, टू बी में से ज़ीरो भी माइनस किया तो प्लस टू बी, सी में से सी माइनस किया ज़ीरो, डी में से डी माइनस किया ज़ीरो, तो ये हमारे पास ए माइनस टू बी इक्वल जीरो आ गया। यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू आ गई माइनस टू बी, ठीक हो गया। ये तो इतना तो सॉल्व हो गया हमारे पास, हमने इसे इधर तक सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे वाली लाइन देख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स माइनस वाई माइनस जी प्लस फोर, ठीक हो गया। अब लिखेंगे प्लेन वन, मतलब जिसे इक्वेशन वन कह रहे हैं, ये चीज़ प्लेन वन इज परपेंडिकुलर, ये चीज़ बताइए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन एक्स माइनस वाई माइनस जी प्लस फोर इक्वल जीरो, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेगी, सो डायरेक्शन रेशियोज आर एक्स का क्वेश्चन वन, वाई का क्वेश्चन माइनस वन, जी का क्वेश्चन माइनस वन, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक हो गया। जो नॉर्मल होगी टू दी इस प्लेन के नॉर्मल होगी, ठीक हो गया। तो फिर सॉरी, डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास आ गई है वो नॉर्मल है इसी प्लेन के, ये इसी प्लेन के, ठीक हो गया। और अब ये देखें, ये जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दी गई हैं, ये वाली और ये जो हमने लेट की थी,
ये इसने दोनों नॉर्मल टू दी प्लेन थी और ये वाली दोनों आपस में परपेंडिकुलर आ रही है, और जब डायरेक्शन रेशियो जो है, जब ये दोनों दो लाइन्स हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं उनके प्रोडक्ट का सम जो होता है वो इक्वल जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ फॉर ए था और यहाँ माइनस वन था, ए वन प्लस बी माइनस वन प्लस सी माइनस वन इक्वल जीरो। तो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इक्वल जीरो। ए की वैल्यू यहाँ से माइनस टू भी निकाली थी, तो यहाँ पे अगर पुट कर दें माइनस टू बी माइनस बी माइनस सी इक्वल जीरो, तो आ जाएगा माइनस थ्री बी इक्वल सी। तो ये थ्री इधर चला जाएगा, सी ओवर माइनस थ्री बी ओवर वन आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से अगर हम रेशो बनाएं तो बनेगी ए ओवर माइनस टू बी ओवर वन। दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास ए ओवर माइनस टू इक्वल बी ओवर वन, ये भी बी ओवर वन है, इक्वल सी ओवर माइनस थ्री इक्वल के रख लें। तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के, बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री के। ठीक हो गया, वैसे ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वन और सी की माइनस थ्री भी रख सकते हैं, उस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन वन में, सॉरी वन में नहीं टू में पुट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाए। पुट इन इक्वेशन टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू के, बी की जगह ज़ीरो था तो वो हम लिखेंगे, सी की जगह आ जाएगा माइनस थ्री के प्लस डी इक्वल ज़ीरो। ठीक हो गया, ये दोनों उधर चल जाएंगे, डी इक्वल आ जाएगा फाइव के। ठीक हो गया, पुट इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में ए की जगह आएगा माइनस टू के एक्स और बी की जगह आएगा के वाई और जी की जगह आएगा सी की जगह आएगा माइनस थ्री के जी और डी की जगह आएगा फाइव के इक्वल ज़ीरो। माइनस के कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जी माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो। ये उधर जाके ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, एक दफ़ा फिर से देख लें, हमारे पास उन्होंने कहा था फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी, दो पॉइंट यानी कि हमने खुद से सेलेक्ट कर ली कि वो पॉइंट ए बी है, दो पॉइंट है जिसमें से पास कर रही थी, ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जो प्लेन गिवन दिया हुआ है। हमने इसके नॉर्मल जो थी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर ली, नॉर्मल टू का जो प्लेन थी सेलेक्ट कर ली ए बी सी, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक हो गया, अब हमने ये किया कि अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, अगर ये पॉइंट इसी इक्वेशन पे लाई करता है तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। इन दोनों को माइनस करके हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक ही वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया, अब हम इसकी सेकंड वाली जो कंडीशन दी है एंड के बाद उसे डिस्कस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमारे पास यानी कि ये प्लेन था, इसे हमने प्लेन वन कह दिया, वन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस इक्वेशन का नेम मैंने वन दिया, इसलिए प्लेन वन लिख दिया। ठीक हो गया, प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो गिवन प्लेन था उस पर परपेंडिकुलर थे, तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज थी नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे पास वन माइनस वन माइनस वन, कैसे आती है, एल का एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जी का कोफिशिएंट। ठीक हो गया, वो डायरेक्शन रेशियोज आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, अब जो डायरेक्शन हमारे पास दोनों लाइंस जो थी वो आपस में परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज जो होती है उनके प्रोडक्ट का सम इक्वल जीरो होता है, उसी को हमने किया। तो हमारे पास इस तरह से ये के वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ की उसमें पुट करके, तो ये आगे सिंप्लीफाई किया, फिर बाद में हमने इक्वेशन टू में पुट किया डी की वैल्यू और फिर वन में पुट किया हमने, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गए।